डियर फ्रेंड्स, वीडियो के इस पार्ट में हम लोग देखिए आरसीसी से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड पर नोट है स्टडी करेंगे। देखिए डिस्क्राइब अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। देखिए न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है इसके बारे में हम आपको डिटेल स्टडी कराएंगे। तो देखिए न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस वह इमेजिनरी नरी प्लेन प्लेन जो कि बीम सेक्शन, बीम सेक्शन को टू पार्ट में डिवाइड करता है सिंपली सपोर्टेड बीम में न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन या कंप्रेसिव जोन तथा नीचे टेंसाइल जोन होता है। इसके अपोजिट कैंटिलीवर बीम में न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर टेंसाइल जोन तथा नीचे कंप्रेसिव जोन होता है। न्यूट्रल एक्सिस टू टाइप का होता है। देखिए जो फर्स्ट टाइप है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, और जो सेकंड टाइप है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। देखिए अब जो है ये पहला जो है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस परमिसिबल
स्ट्रेसेस, परमिसिबल स्ट्रेसेस के बेस पर ज्ञात न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है। देखिए, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस जिसको मैं सीएनए से शो कर रहा हूं, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का जो फार्मूला होता है एम इंटू सिग्मा सीबीसी इंटू डी अपान एम इंटू सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एसटी। देखिए, यहां पर जो एम है वो क्या है, मॉडुलर रेशियो। सिग्मा सीबीसी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट। इसके अलावा देखिए जो डी क्या है, तो डी जो है इफेक्टिव डेप्थ। अच्छा, इसके बाद देखिए सिग्मा एसटी क्या है, यह है मैक्सिमम परमिसिबुल स्ट्रेस इन स्टील। तो ये है आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। जो सेकंड है वो है आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। देखिए, ये जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, रेनफोर्समेंट स्टील के बेस पर ज्ञात की गई न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है। यह कंप्रेशन जोन तथा टेंसाइल जोन का न्यूट्रल एक्सिस के सापेक्ष मूवमेंट के इक्वल होता है। देखिए, ये
एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस देखिए, ये जो है बी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू एम इंटू ए एस टी ब्रैकेट में डी माइनस एक्स, ये है देखिए न्यूट्रल एक्सिस, ये जो है आपका न्यूट्रल एक्सिस। देखिए न्यूट्रल एक्सिस वह इमेजिनरी प्लेन होता है जो बीम सेक्शन को टू पार्ट में डिवाइड करता है। देखिए हम आपको बता दें यहां पर, देखिए सपोज करिए ये आपका बीम सेक्शन है, तो देखिए हम ये बताना चाहेंगे कि देखिए ये एक प्लेन है, ये ऐसा प्लेन है जो बीम सेक्शन को टू पार्ट में, देखिए टू पार्ट में डिवाइड करता है। एक बात बता दें, ये जो प्लेन है इसी को न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं, तो देखिए बीम में जो है यहां पर जो है, देखिए यहां पर रेनफोर्समेंट स्टील प्रोवाइड किया जाता है और पूरे बीम में कंक्रीटिंग होती है, पूरे बीम में कंक्रीटिंग। देखिए यहां इसको जो है ध्यान दीजिए कंप्रेसिव जोन मानते हैं, ये कंप्रेसिव जोन है और ये जो है टेंसाइल जोन है, ये क्या है टेंसाइल जोन, ध्यान दीजिए। तो देखिए यहां पर भाई ये जो प्लेन जो है, ये जो प्लेन जो बीम को टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है उसी प्लेन को न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। देखिए एक्चुअल में सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का जोन होता है ये कंप्रेसिव जोन होता है और नीचे का जोन जो है ये क्या है टेंसाइल जोन, लेकिन कैंटिलीवर बीम में ये जस्ट रिवर्स हो जाता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है। याद कर लीजिए कैंटिलीवर बीम में जो न्यूट्रल एक्सिस है उसके ऊपर का जोन टेंसाइल जोन होता है, यहां पर कौन सा जोन होगा टेंसाइल जोन, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का जोन कंप्रेसिव जोन होता है, ये बात लिखा गया है। देखिए फिर मैं पढ़ के भी दिखा दे रहा हूं, सिंपली सपोर्टेड बीम में न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेसिव जोन तथा नीचे टेंसाइल जोन होता है। देखिए सिंपली सपोर्टेड के केस में ये फिगर बना है, लेकिन इसके अपोजिट कैंटिलीवर बीम में न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर टेंसाइल जोन, देखिए यहां ये कैंटिलीवर बीम के केस में ये ऊपर जो है टेंसाइल जोन हो जाता है और नीचे कंप्रेसिव जोन, रिवर्स होता है, इसमें जो है कैंटिलीवर बीम में जस्ट रिवर्स हो जाता है। अच्छा देखिए ये जो न्यूट्रल एक्सिस है वो टू टाइप का होता है, न्यूट्रल एक्सिस टू टाइप का होता है, एक तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और दूसरा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। देखिए हमने आपको ये बता दिया है कि जो बैलेंस सेक्शन होता है उसमें एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस दोनों कोइंसाइड करते हैं, बट अंडर रेनफोर्स्ड और ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन में कोइंसाइड नहीं करते हैं, तो इसके बारे में भी हमने आपको अलग अलग वीडियो में बताया है। चलिए ठीक है, तो ये जो है मैंने ये बताया कि न्यूट्रल एक्सिस टू टाइप का जो होता है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। तो देखिए क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस जो है एक्चुअल में इसको परमिसिबल स्ट्रेसेस के बेस पर जो है ज्ञात किया जाता है, भाई देखिए वह न्यूट्रल एक्सिस जो परमिसिबल स्ट्रेसेस के बेस पर ज्ञात किया जाए तो वह आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है। और देखिए क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के लिए यह फार्मूला आपको जानना पड़ेगा, जब डिजाइन करना होगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी, क्या है एम सिग्मा सीबीसी डी
अपान एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। अब ये देखिए ये है क्या एम, एम जो है मॉडुलर रेशियो है, सिग्मा सी बी सी क्या है मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट है, और देखिए डी क्या है इफेक्टिव डेप्थ है, और सिग्मा एस टी क्या है मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील। आप समझ गए होंगे। देखिए अब हम आपको बता रहे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, तो रेनफोर्समेंट स्टील के बेस पर, भाई देखिए रेनफोर्समेंट स्टील के बेस पर जो भाई न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात की जाती है उसे जो है ध्यान दीजिए एक्चुअल जो है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। अच्छा ये बात और भी है, यह कंप्रेशन जोन तथा टेंसाइल जोन का न्यूट्रल एक्सिस के सापेक्ष मूवमेंट के इक्वल होता है। देखिए हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो कंप्रेशन जोन है और ये है टेंसाइल जोन, इसका अगर मूवमेंट ले लिया जाए तो दोनों का मूवमेंट लेना ले करके इक्वल कर दिया जाए तो उसी के बराबर होता है, उसी के बराबर होता है। तो देखिए एक्चुअल में ये क्या है, ये आपका ये बी होता है, जान लीजिए ये क्या है बी है, और देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक्स होता है, आप समझिए। और देखिए ये जो देखिए सेंटर ऑफ बार है, ये सेंटर ऑफ बार, तो सेंटर ऑफ बार से और सुनिए टॉप ऑफ बीम तक का जो डिस्टेंस है ये जो है आपका यही है इफेक्टिव डेप्थ। तो देखिए इसको मैं लिख दे रहा हूं इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। अब बताइए जो यहां से यहां तक डी हो गया तो यहां से यहां तक क्या होगा डी माइनस एक्स, देख लीजिए। अरे भाई ये एक्स है, ये क्या है एक्स, भाई न्यूट्रल एक्सिस को एक्स से डिनोट करते हैं तो ये एक्स है, सपोज करिए देखिए ये एक्स है तो ये पूरा डी है तो ये डी माइनस एक्स हो जाता है। तो देखिए एक्चुअल में अभी हमने ये क्या कहा, यह कंप्रेशन जोन और टेंसाइल जोन का न्यूट्रल एक्सिस के, देखिए ये जो न्यूट्रल एक्सिस के अगर अबाउट आप मूवमेंट ले लेते हैं तो इक्वल होता है। तो देखिए हमें ये जो है कंप्रेशन जोन है या इसको कंप्रेसिव जोन कहते हैं, तो इसका मूवमेंट क्या होगा भाई, देखिए एरिया का मूवमेंट लेना है, एरिया का मूवमेंट एक्चुअल में ध्यान दीजिए जो यह कंप्रेशन जोन और टेंसाइल जोन के, यहां लिख दे रहा हूं एरिया का, तो एरिया का न्यूट्रल एक्सिस के सापेक्ष मूवमेंट इक्वल होता है, ठीक है। तो देखिए इसका एरिया का मूवमेंट, तो एरिया इसका क्या होगा सोचिए जरा ध्यान दीजिए, एक्चुअल में इसका एरिया होगा बी इंटू एक्स। अरे भाई देखिए ये रेक्टेंगल टाइप का है ना, तो बी इंटू एक्स इसका एरिया हो गया इंटू, अच्छा मूवमेंट लेना है ना, तो मूवमेंट क्या होता है भाई जो ये सेक्शन है, देखिए ये सेक्शन है, इसका जो है सीजी कहां होगा बीचों बीच में होगा, यहां होगा भाई, तो इसका मतलब मूवमेंट के लिए क्या मैंने किया एरिया ले लिया बी इंटू एक्स, और जो सीजी है देखिए इसके अबाउट हमको मूवमेंट लेना है न्यूट्रल एक्सिस के, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा एक्स बाई टू। अच्छा ये आपका मूवमेंट हो गया कंप्रेसिव जोन का, अब टेंसाइल जोन का मूवमेंट लीजिए, तो देखिए यहां पर जो है टेंसाइल जोन में जो है, देखिए एक बात आज याद कर लीजिए, जो टेंसाइल जोन में कंक्रीट होता है उसको भाई कैलकुलेशन में नहीं लिया जाता है, माना जाता है कि वह कंक्रीट कोई भी लोड नहीं बियर करती है, सिर्फ स्टील जो है जो भी लोड बियर करना है वह स्टील बियर करता है, तो यहां का कंक्रीट जो है फिलहाल
बेकार माना जाता है। लेकिन लेकिन भाई देना जरूरी है, चलिए ठीक है। तो टेंसाइल जोन में स्टील, तो ये जो भाई स्टील आप प्रोवाइड करे हैं, इसका एरिया आपको पता है। देखिए एक बात बता दें, इसका एरिया एएसटी कहलाता है, इसका एरिया एएसटी कहलाता है। बट जो है देखिए, इसका एरिया जो स्टील का जो एरिया है एएसटी कहलाता है, इसको रट लीजिए एम टाइम लिया जाता है। कितने टाइम? एम टाइम, ये मॉडुलर रेशियो है। तो एम टाइम लिया गया, तो देखिए एरिया हो गया। उसके बाद जो है आपको मोमेंट लेना है ना, तो ये तो हो गया एरिया इनटू डिस्टेंस, इनटू देखिए इनटू डिस्टेंस। अरे भाई न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट डिस्टेंस क्या है? डी माइनस एक्स। तो देखिए ये हो गया डी माइनस एक्स, और दोनों इक्वल होता है, दोनों इक्वल होता है। तो देखिए आपका ये जो है बी एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू एम इंटू ए एस टी डी माइनस एक्स। तो देखिए ये जो फार्मूला है यही मैंने नोट किया था। तो फार्मूला आप समझ भी गए होंगे और कैलकुलेट करके भी फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये जो है देखिए, ये न्यूट्रल एक्सिस था, ये क्या था? न्यूट्रल एक्सिस। और एक चीज यहां पर हम बताएंगे कि देखिए ये तो इफेक्टिव डेप्थ है, लेकिन देखिए इफेक्टिव डेप्थ जो देखिए बीम के, बीम का जो ये बॉटम सरफेस है और ये सेंट्रल, देखिए सेंटर ऑफ जो रेनफोर्समेंट है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस बचा हुआ है इसको कहते हैं इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर। जरा ध्यान दीजिएगा। और देखिए ये मान लीजिए ये रेनफोर्समेंट स्टील है, इसका जो है बॉटम सरफेस, देखिए इसका बॉटम और बीम का बॉटम सरफेस, देखिए यहां पर ये जो है इसको कहते हैं क्लियर कवर, क्लियर कवर। तो देखिए एक्चुअल में ये सारी बातें आपको जानना चाहिए। तो देखिए वीडियो का ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम आपसे न्यू आइटम के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।